जो मुख्यमंत्री देश में सबसे लोकप्रिय है, जिस मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि कोरोना का जो शुरुआती दौर था सबसे पहले उसी ने उस पे को कंट्रोल किया, जब दिल्ली में केजरी गाजियाबाद और नोएडा से ठूस रहे थे बिहार और यूपी के मजदूरों को एक साजिशन, तो उस आदमी ने एक माँ की भूमिका निभाई, एक पिता की भूमिका निभाई और एक आक उत्तर प्रदेश के सीमा में जो भी आ गया वो यूपी का हो गया, हमारा हो गया। चाहे वो कोटा में जो छात्र थे, देश के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, योगी ने एक पिता की भूमिका निभाई और उस संत ने उसके बाद उन बच्चों को उसके घर पहुंचाया। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश सबसे बेहतरीन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन साजिश गंगा किनारे लाशों से हुई जो पारंपरिक रूप से सालों से हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन ये पारंपरिक रूप से हो रहा है। थोड़ा उसकी संख्या, जो लोकल रिपोर्टर बता रहे हैं कि लाशों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन ये परंपरा रही है वहां पर यमुना किनारे। लेकिन इस बीच में क्या इन तमाम साजिशों के बीच ऐसा सामने अब आ गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की विदाई होने वाली थी? जरा इस पर्दे के पीछे के रहस्य को आप यदि समझाएं तो ज्यादा बेटर होगा। क्या कहीं योगी आदित्यनाथ से भी चूक हुई? सिलसिलेवार ढंग से बताएं आप। मरीज जी, देखिए ये तो बिल्कुल सत्य है। ये शुरुआत तो हो गई थी मतलब समझिए 15-20 दिन पहले, तब मेरी भी समझ में नहीं आया था। जो भी आपने जिक्र किया, गंगा में बहती लाशें, जलती चिताएं, तो वो जो एकदम से मतलब जहां बंबई और दिल्ली में 10-10 गुना ज्यादा मौतें हो रही थी, संक्रमित थे, उनको छोड़ के अगर ये पूरे यूपीएन के मीडिया यहाँ के जूझ गया था, तो हम लोग एक समझ रहे थे कि एक साजिश के तहत योगी को बदनाम करना है। लेकिन वो नहीं था, वो उनको बदनाम तो करना था, लेकिन वो जो कुछ पिछले 3-4 दिनों में यूपी में हुआ, ये उस साजिश का हिस्सा था, जो कल्पना 15-20 दिन पहले मैंने भी नहीं की थी। तो ये वहां से शुरुआत हुई, 15 करीब 1 हफ्ता 7-8 दिन पहले शुरू हुआ कि योगी हटने वाले हैं, तब भी मैं इसको तवज्जो देने, लेकिन वास्तव में 4-5 दिन पहले ये बिल्कुल आभास हुआ साफ, ये जो घटनाक्रम चला या बीएल संतोष यहाँ, तो ये तो तय था मनीष जी, ये फैसला हो चुका था कि योगी जी को विदाई की जाएगी, और वो कैसे रुका वो एक अलग कहानी है। और सबसे खास बात है, देखिए उसमें योगी जी को भी समझ में आया होगा कि मतलब बहुसंख्यक विधायक पार्टी के, बहुसंख्यक पदाधिकारी वो उनके विरोध में थे योगी के। लेकिन ऐसा था क्यों? अभी आप ने जिसका पहले जिक्र किया, कोरोना काल का हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ ने किया है, इस हद तक किया है मनीष जी कि वो जो आपने कहा 40-45 लाख प्रवासी बाहर से आए थे, उनको सबको लिया ही लिया, और एक तरफ मीडिया ने कभी उसका जिक्र नहीं किया कि जो बाहर से आए थे वो तो थे ही मनीष जी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 35 से 37 लाख अप्रवासी थे, जो यहाँ रह के काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के थे, बिहार के कुछ हिस्सों के थे, वो यहाँ मजदूरी करते थे। तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ शब्दों में उनसे कहा था कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पूरा इंतजाम हम यहाँ पे देखेंगे, और आपको ध्यान होगा यहाँ से कोई नहीं गया। तो कोरोना में तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज की अभी पिछले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है उसमें 0.04% पॉजिटिविटी रेट आया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी प्रदेश का नहीं है जो टेस्ट हुए हैं, इस कदर कंट्रोल किया है। तो उस और शासन सरकार के किसी काम के, किसी विभाग के किसी कसौटी भी ले लीजिए, तो पिछले मुख्यमंत्रियों से अच्छा नहीं, उनसे कई गुना अच्छा काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसमें कोई शक नहीं। किसी आप कोई किसी भी काम पे आप उंगली धर दीजिए इस पे क्या है, तो उससे तुलना कर लीजिए, वो बहुत बेहतर सिद्ध होंगे। लेकिन क्या वजह है, क्या वजह है कि केंद्र को भी आगे उंगली उठानी पड़ी, यहाँ पे भेजना पड़ा, और सबसे खास बात संघ मोदी के, इनके योगी के विरोध में 80% के करीब बताते हैं, विधायक विरोध में, पार्टी के पदाधिकारी विरोध विरोध में, तो कोई तो कारण था, कोई कोई तो कारण तो था, तो उसका जो सबसे मूल कारण था, देखिए ये खटक गए, योगी जी से ये गलती हुई, इनके उत्साही समर्थक और इनकी एक वो जो हिंदू युवा वाहिनी थी वो बहुत ज्यादा उत्साहित, और उसका पार्टी अनुशासन से कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है, पहले से लोग जानते हैं। यहाँ पे आने के बाद योगी जी ने उसको भंग कर दिया, लेकिन जो योगी जी की लोकप्रियता बढ़ी उनके कामों की वजह से, उनके तेवरों की वजह से, उसको लेकर उन्होंने हल्ला शुरू किया कि साहब अगला प्रधानमंत्री योगी, कहीं से कोई इसका सिग्नल नहीं था, ना हाई कमान से था, ना पार्टी से था, ना संघ से था, और उन्होंने हुड़दंग शुरू किया,
और वो उधर तो जो सोशल मीडिया में तो आप जानते हैं कि राजनीतिक समझ रखने वाला उसमें 1% भी नहीं है, वो समर्थक है, आम आदमी है। उसने देखा कि अरे योगी ये कर रहे हैं, तो उसने और तेजी उसको पकड़ ली। और जब वो तेजी पकड़ी तो देखिए सत्ता की लड़ाई जो शीर्ष पे होती है वो कुछ दूसरे तरह की होती है। सब जानते हैं कि जिस दोबारा मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही शाह को गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठाला गया तो उनके उनको अगला उत्तराधिकारी के रूप में लोगों ने देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल राजनाथ सिंह वहां पहले से, उनकी वरिष्ठता अनुभव सब कुछ है, वो बोलते नहीं लेकिन है तो दौड़ में वो भी, उम्मीद अभी भी उनको सबसे भी है। सीनियर, अभी तो सबसे सीनियर वही है कायदे से, सबसे सीनियर है वो, सीनियर है अनुभवी, और रक्षा मंत्री के रूप में बहुत बढ़िया प्रदर्शन है उनका। देखिए जो बात है तो उनका भी अपना एक स्थान है। तो दो आदमी तो प्रत्यक्ष नजर आ रहे थे, तीसरे संघ का आपने एक अलग ताना बाना है। संघ का जो राजनीति के जानकार है वो सब जानते हैं कि पिछले वो अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद से संघ ने जोर तोड़ शुरू कर दी कि गडकरी अगले प्रधानमंत्री, वो पहले वो मान के चल रहे थे, लेकिन शाह जी के आने के बाद उनको लगा कि ये जो है। हेलो, हाँ, आ रही आवाज आपकी, आपकी हाँ, आवाज आ रही उनको है, ये लगा आप कि बोलते ये रहिए, जो, थोड़ा सा वीडियो कट रहा है, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ वो उनको ये लगा कि शायद अब जो है प्रतिद्वंदी आ गया, तो उन्होंने अपनी अलग तरह से कैंपेन शुरू की। तो तीन आदमी तो जो योगी आदित्यनाथ से हर मामले में वरिष्ठ, हर मामले में वो ऑलरेडी पहले कतार में खड़े हैं। सबकी अपनी अपनी ताकत है, सबकी अपनी कमियां हैं, सबकी अपनी खूबियां हैं। और उसके बाद जब ये हुड़दंग शुरू हुआ तो ये लगा कि जैसे मोदी के बाद अगली शपथ इन्हीं को लेनी है। तो देखिए समर्थक मोदी जी हमेशा हल्ला मचाते हैं, इस तरह से करते हैं, लेकिन नेता की क्या ड्यूटी है? योगी आदित्यनाथ ने उस हवा को रोकने की कोशिश नहीं, चुप्पी साधे रहे। अगर आप याद करिए नरेंद्र मोदी को, मैं संयोग से जब 2012 का आखिरी चुनाव था गुजरात का, तो जिस दिन परिणाम आया उस दिन मैं अहमदाबाद में था, और जब 4 बजे के करीब पूरा परिणाम घोषित होने के बाद मोदी जी मंच पे आए थे, तो जाहिर सी बात वो समर्थक हल्ला मचाने लगे, दिल्ली 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 अगला प्रधानमंत्री। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नरेंद्र याद मोदी है ने मुझे किस भी। तरीके से, हाँ 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 किस तरीके, हाँ वो तो आपको यूट्यूब पे आप पढ़ा होगा भाषण, किस हाँ तरीके हाँ से शांत कराया था उनको। उन्होंने कतई उस हवा को तेजी नहीं दी थी, उन्होंने बहुत गंभीरता से कि आप कि मेरा 6 करोड़ गुजरातियों के प्रति वह है, मैं गुजरात का मेरे भले रिस्पॉन्सिबिलिटी गुजरात, 6 करोड़ गुजरातियों के लिए है। बस। तो वो नेता का काम है। हाँ योगी जी ने इसको रोकने की कतई कोशिश नहीं की और ये बेलगाम होती चली गई। और आपको मैं बड़ा कटु बात बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोलूंगा कि इस सोशल मीडिया के अंदर जो लोग जो चेहरे जो जैसा है ना, हर मीडिया के अंदर कुछ चर्चित चेहरे होते हैं, कुछ गुमनाम होते हैं, ऐसे सोशल मीडिया में जो कुछ चर्चित चेहरे हैं जो इसको बड़ी हवा दे रहे थे, उनके साथ योगी जी की बड़ी मुलाकात है, और वो बड़े उससे गर्व के साथ वो फोटोएं ला के अपनी अपनी वाल पे कि आज योगी जी से बात हुई, आज भेंट हुई। तो ये कर जब वो कर रहे थे तो ये अपने लिए अपने पैर को कुल्हाड़ी मार रहे थे, वो समर्थक भी और योगी जी। तो एक हवा बनी, तो उसमें जो शीर्ष नेतृत्व तो था वो भी इनसे नाराज था, संघ भी इनसे नाराज था इस हरकत की वजह से, और जो विधायक है उनकी नाराजगी का कारण कुछ और था। लेकिन वो भी देखिए वो तो इनको सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव में योगी जी को कष्ट होगा। देखिए यहाँ विधायकों की शिकायत हमारी सुनी नहीं जाती। तो मनीष जी ये सत्य है, क्योंकि तो मैं एक अपना स्वयं का होगा वो अनुभव बता दूं उसकी, लखनऊ का, कि एक पुलिस रिपोर्ट के लिए मुझको 40 दिन इंतजार करना पड़ा। और भाजपा के जो ठीक ठाक नेता है, मतलब जिनको आप कह सकते हैं कि विधायक से ऊपर की हैसियत, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा समझिए है, उनकी नहीं सुनी पुलिस वाले ने, और चौकी इंचार्ज ने नहीं सुनी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी। तो विधायक तो फिर आपसे नाराज होगा ना। मैंने कहा सब कुछ अच्छा है लेकिन जो जलन है, जब वो विधायक की नहीं सुन रहा तो कार्यकर्ता की क्या सुनता होगा। अच्छा वो योगी जी ने इसलिए किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो पुलिस के काम में, लेकिन आपको बिल्कुल कोई बिल्कुल, सिस्टम ऐसा, लेकिन आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना कि अगर राजनीतिक ये हस्तक्षेप ना माना हो जाता है तो। कि ये योगी जी का स्टाइल इसलिए था कि समाजवादी कल्चर ना आए, कि समाजवादी गुंडे जिस तरह से थाने पर प्रभाव चालते थे, उन्होंने एक नेक नियति से की, लेकिन कार्यकर्ताओं को हमेशा ये होता है कि आखिर हमारी सत्ता आई तो हमें क्या मिला, जो बंगाल में रोना रो रहे हैं, हमारी हमने इतना मेहनत किया, हमारे साथ ये हो रहा है।
जैसे बताया हाँ जाता है कि केजरी इतनी ईमानदारी का दंभ भरते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को मोहल्ला क्लिनिक में सेट कर देना 10 तरह की चीजों में, जैसे आप भी बताते हैं कैसे केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को सेट कर दिया ताकि बिल्कुल कार्यकर्ताओं में निराशा ना हो। तो थोड़ा सा तो आदमी को करना पड़ता है कि जो अपने जिसने अपना करियर ही इसी को बना लिया है, तो उन हाँ कार्यकर्ताओं के थोड़ा सा नेता को, ये मुझे लगता है कि योगी जी का एक इंटेंशन इस रूप में रहा हमेशा कि समाजवादी दौर की तरह जो गुंडे हो गए थे कार्यकर्ता, ये संस्कृति हाँ ना अपनाई जाए। मुझे लगता है लेकिन शायद आप भी यही कहना चाह रहे थे। लेकिन उसमें मनीष जी ये रहा ना कि मतलब विधायक को अगर चौकी इंचार्ज अपमानित करेगा तो वो नहीं बिल्कुल बर्दाश्त होगा ना, बिल्कुल सही उसको बात है, दोबारा वो तो पब्लिक के बीच में जन जाना है आप जनप्रतिनिधि के साथ तो ऐसा वो, नहीं कर सकते आप। हाँ तो वो मैकेनिज्म तो योगी जी को बनाना चाहिए था कि अगर ये राजनीतिक हस्तक्षेप रोकना है तो ये पुलिस भी बेलगाम ना हो, बिल्कुल ये बिल्कुल इनके ऊपर भी कोई अंकुश हो, इनका कोई सिस्टम हो कि अगर कोई बदतमीजी करेंगे तो इनकी शिकायत वहां होगी और इन पे कार्रवाई होगी। वो निरंकुश हो गए, वो एनकाउंटर होने से, बड़े माफियाओं के मारने से वाहवाही होने लगी इनकी, ये तो नीचे की जो जमीनी हकीकत थी उससे योगी जी अनभिज्ञ रहे या अनदेखा किया या नौकरशाही ने उनको बताया नहीं, ये उनकी जांच का विषय है। लेकिन ये असलियत ये थी जमीन की कि थाने पे तहसील में विधायक या सभासद या पार्षद या पदाधिकारी जो थे वो अप्रासंगिक हो गए, तो उनकी नाराजगी थी। तो अब की मेरे ख्याल से जो 4-5 दिन का मंथन चला है इसमें बहुत बातें खुल के हुई हैं, तो खुलके देखिए हुई आने है। वाले दिनों में शायद योगी जी को इससे कोई संदेश मिला होगा, शायद सुधार हो, और करना चाहिए करना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग जो देख रहे हैं वो नीचे उसके परिणाम कुछ और होंगे। क्योंकि क्योंकि इसका इसका पर ये है कि देखिए कि मैंने इसीलिए विश्लेषण किया कि योगी आदित्यनाथ के पीछे सो कॉल्ड जो राष्ट्रवादी हैं वो भी लग गए, और वामपंथी तो हैं कि कम से कम, जैसे आपको याद होगा जब इन लोगों को लगने लगा कि सरकार बीजेपी की ही आएगी तो एक विकल्प ढूंढने लगे थे कि मोदी के बदले शिवराज सिंह आ जाए, नितिन गडकरी आ जाए, ताकि सेटिंग गेटिंग, हाँ यदि थोड़ा सा इस ढंग का आदमी आए, यो किसी ऐसे व्यक्ति से, मोदी और योगी जैसे व्यक्तियों से, दलाल सिस्टम को तो परेशानी होती है कि इन दलाल सिस्टमों को लगता है कि क्योंकि इस आदमी को अपना कोई स्वार्थ यदि नहीं है तो हमारा स्वार्थ कैसे होने देगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे जितने खलियर ये खैरातियों का गैंग है वो सगुफा छोड़ता है, कभी नितिन गडकरी के लिए, पहले कभी शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि उनका जो आका है वो पप्पू और पिंकी की जो जोड़ी है वो अब कोई हैसियत रह नहीं गई है, तो कम से कम मोदी हटे, उसी ढंग से योगी हटे कम से कम, ताकि ये प्रकोप हो, खत्म हो। तो आपको क्या लगता है कि इस बदले दौर में चूंकि योगी एक फाइटर के रूप में सामने आए हैं, एक उम्मीद तो उनसे है, तो क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो एक बेहतरी के लिए हुआ? नहीं, ये बेहतरी के लिए हुआ, जो जो कमियां थी वो योगी जी को मतलब प्रत्यक्ष उनके मुंह पे कही गई है, जो अभी तक नहीं कहने की कोई हिम्मत कर पा रहा था। तो मेरे ख्याल से इतना बेहतरीन उन्होंने प्रशासन किया, यहाँ पर शासन किया है तो उसको स्वीकारेंगे, उसको सुधारेंगे, ये उम्मीद करी जानी चाहिए। जो बात आपने कही मीडिया की, मैं मनीष जी 4-5 दिन से केवल उन्हीं को देख रहा था, जो लुटियन वाले वामपंथी लिबरल गिरोह को, तो आप भी अगर अभी गौर करेंगे 2-3 दिन जाके उनकी चर्चाएं देखिएगा तो उन्होंने एकदम अपना गिरगिट की तरह रंग बदला हुआ था। उनकी चर्चाओं का सार ये निकल रहा था कि इस समय तो मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मतलब योगी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ये होनी चाहिए, ये मतलब वो उन्होंने वो जो मोदी का उनका जिस मोदी का उनको कोई काम अच्छा नहीं लगता था उस काम के वो समर्थक पूरी हो तरह गए से थे। नजर आ रहे हो गए थे, मतलब वो चाह रहे थे कि योगी निपटे, मतलब आप योगी को अगर रास्ते से हटा लेंगे तो इनकी बहुत बड़ी सफलता होगी उन लोगों की। और उसका कारण है मनीष, जो एक आपको एक बताऊं, नाम नहीं लूंगा उनका, मेरी परसों ही बात हुई, बहुत ठीक ठाक वो मेरे तरह से मेरे सूचना के स्रोत भी हैं, मगर तभी शुरुआत मैंने उनकी उनको कराई थी तो अब इस समय कई लोगों करी है। तो उन्होंने कहा कि दादा आप तो जानते हो हमारे यहाँ मनीष जी परंपरा रही कि दिवाली पे और नए साल पे मुख्यमंत्री के यहाँ से जो पत्रकार हैं मान्यता प्राप्त पत्रकार उनको मिठाई का डिब्बा जाता रहा है लखनऊ में। तो मैं कहने दादा आपको तो मालूम है, तो कहने अब जब से योगी आए हैं तो कहने वो डिब्बा चला था मिठाई का बहुत साधारण सा, और उसने एक मंत्री का नाम लिया, मनीष जी, फिर उसने इसी अच्छा सरकार के एक मंत्री का नाम लिया, अच्छा कहने उनके यहाँ से जो मिठाई का डिब्बा आता है, कहने दादा कम से कम 1,500-2,000 रुपए किलो की तो मिठाई होती है, इतनी महंगी वाली लखनऊ की सबसे सर्वश्रेष्ठ दुकान की सबसे महंगी मिठाई।
और कहें उस मिठाई के डिब्बे के साथ एक गिफ्ट पैकेट भी होता है जो 3-4 हजार रुपए का गिफ्ट होता है। कहें इसके अलावा नए साल पे जो डायरी और कैलेंडर भेजा जाता है वो बहुत कीमती होता है, कहें मतलब वो डायरी बहुत कम लोगों के पास मिलेगी, इस टाइप बढ़िया आती है। तो अभी अब जब ये कल्चर चल रहा है तो योगी कैसे अच्छे लगेंगे, योगी योगी कैसे? कैसे अच्छे लगेंगे, क्योंकि योगी सबसे बड़ी बात सरकारी तो योगी सरकार के दौर में कैलेंडर छपना बंद हुआ, जो करोड़ों का खर्चा फालतू का था, कैलेंडर और डायरी, ये डायरी को तो उन्होंने बिल्कुल रुकवा दिया। ये डायरी गिफ्ट और ये इसमें जो फालतू का खर्चा था, इस सरकार ने रोका और योगी की सरकार ने भी रोक दिया। तो एक बहुत अच्छी बात है जो लगती छोटी है, लेकिन गंभीर ये है कि छोटी छोटी चीजों से किस लेकिन तरह से मनीष जी खुश सब करने का। मनीष जी सब उसमें योगी जी से चूक हुई कि इसमें मनीष जी समस्या ये आती कि आप तो सादगी के साथ कर रहे हो, ईमानदारी के साथ कर रहे हो, और आप ही की सरकार का एक मंत्री ये काम कर रहा है, आप ही की सरकार का मंत्री जब ये काम कर रहा है तो आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपको ध्यान होगा मोदी जी ने भी, मोदी जी के यहाँ ये सब काम नहीं होता, लेकिन तो ये भी किसी मंत्री की हैसियत नहीं कि वो अपने अपना एक अलग से ये दरबार शुरू कर दे इस तरह से। तो यहाँ एक पैरेलल जो शुरू हुआ ना वो तो मोदी योगी योगी के खिलाफ एक इस तरह के लोगों में बनता चला गया माहौल, और उस उन लोगों को भी लगा कि ये अवसर सबसे बढ़िया, क्योंकि ये योगी जी से चूक हुई थी जो हुड़दंग इन्होंने रोका नहीं कि अगला प्रधानमंत्री, इनको बहुत सख्ती से बहुत गंभीरता से चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चाहे मंच पे अपने समर्थकों को जो इनके जिनसे मिलते हैं उनको संदेश देना चाहिए था सार्वजनिक, देखो इस तरह की बात करने का कोई औचित्य, क्योंकि मनीष जी सबसे देखिए इसमें गलती यह है कि ये पूरी 1000% ये तय है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाना है, तो जाहिर सी बात है कि वही शपथ लेंगे। तो अभी मतलब इसका क्या औचित्य है कि अगला प्रधानमंत्री, ये अगला प्रधानमंत्री तो ये होगी जब उनकी रिटायरमेंट की डेट तय हो जाए कि नरेंद्र मोदी फला तारीख को इस्तीफा देंगे और राजनीति से छोड़ देंगे, तब तो अभी एक आदमी बैठा हुआ 3 बड़े प्रबल दावेदार केंद्र में काम कर रहे हैं और आप ये हल्ला मचा रहे हो, और आपका मौन, तो वो आपका देखिए मौन मौन हमेशा, मौन हमेशा सहमति माना जाता है मनीष जी, सहमति ये माना माना। जाता है। हाँ, और आपने विवाद अभी देखा होगा कि वो टाइम्स मैगजीन में जो लेख छपा है उस पर विवाद चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो विज्ञापन था जो पैसा दे के छपवाया गया, ये दोनों स्थितियां गलत है। देखिए उसको पढ़ने के बाद उस विज्ञापन को अगर आप उस लेख को पढ़िए तो वो है तो विज्ञापन नुमा ही ले, उसके लिए पैसे दिए गए नहीं दिए गए ये बात की बात है। तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री टाइम्स मैगजीन में अपने आर्टिकल क्यों छपवा रहा आप अपनी सरकार के बारे में, तो ये जो नौकरशाही थी ना, जो लॉयल देन द किंग जिसे कहते हैं, वो उस उत्साह में, अति उत्साह में, तो वो वही प्रधानमंत्री वाला जो हमने कहा ना हुड़दंग था, ये उसी हुड़दंग का ऐसे हिस्सा था। कई बार ऐसे नौकरशाहों को लगता है कि उनके कार्यकाल के दौरान ही उनके बॉस यदि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो उनका भी रुतबा बढ़ जाएगा। और ये बहुत सही बात, बढ़ मुझे लगता है कि ये चीजें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार अति उत्साही जो समर्थक हैं, मुझे तो लगता है कि बंगाल वाले मामले में भी कई लोग अति उत्साहित हो गए कि मोदी और शाह काम नहीं कर रहे हैं तो अब योगी ही आने चाहिए। ये अति उत्साह कई बार 2004 की कहानी दोहराने का डर पैदा करता है कि कहीं फिर देश को एक भ्रष्टाचार वाला, एक मनमोहनी सरकार टाइप ना मिल जाए, जो वाजपेयी के दौर में गलती हुई कि आपको वाजपेयी, आप अब आप मोदी पसंद नहीं आ रहा, अब आपको उससे भी ज्यादा कोई टफ चाहिए। इस चीज से कि कैसे, क्या आपको लगता है कि अब जिस यदि मोदी की तरह वो चल रहे हैं, क्योंकि एक चीज तो अक्सर वो करते हैं कि सामने आए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो बोलते हैं कि हाँ भाई सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। क्या आपको लगता है कि ये जो पक्ष है जिनको एक बोलने का अवसर मिला है, वो अब शांत हो पाएंगे क्या? जो नहीं, अंदर हाँ आर्मी शांत हो जाएंगे, के अंदर जो आग लगाने की कोशिश कर रहे थे वो। नहीं, अब वो देखिए वो तो शांत हो गए, वो शांत हो गए, अब वो जब ऊपर से क्लियर हो गया, अब मेरे ख्याल से आज ही बीएल संतोष ने बहुत खुल के बोल दिया कि बड़ी तारीफ की है योगी जी की, और अंदर से फैसला हो चुका है, तो पार्टी के अंदर वाले वो तो समझ गए कि अब कोई चेंज वेंज नहीं हो रहा है। लेकिन मनीष जी इसमें फिर एक एक अब इसमें योगी जी की दायित्व ज्यादा बढ़ गया है, ये जो 8-10 महीने हैं, मैंने कहा ना कुछ कमियां जो जब विधायकों की शिकायतें या पदाधिकारियों की शिकायत थी वो, और दूसरे ये हुड़दंग, ये इनको सख्ती से रोकना पड़ेगा, सख्ती से इसको रोकना सख्ती से सख्ती, अन्यथा ये होगा कि आपने कोई सबक नहीं सीखा। तो नहीं थी।
देखिए मनीष जी, मैंने अपनी पोस्ट पर भी आज लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली की तरफ कदम तब बढ़ाया था जब वो 12 साल मुख्यमंत्री रह लिए थे। 12 साल, अभी आपका अभी 5 साल पूरा, बिल्कुल बिल्कुल 5 साल पूरा नहीं हुआ है। और कायदे से आपकी देखिए परीक्षा तो होनी है, ये जो 2022 का चुनाव, ये आपकी परीक्षा होगी कि आपके पास सटीक, हम आप पर प्रशंसा कर रहे हैं, हमको बड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन आम जनता तो हम सबको ये हर किसी को ये लगता है कि देश में यदि कोई सबसे योग्य चीफ मिनिस्टर है तो योगी आदित्यनाथ है। और हाँ उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर एनसीआर में रहता हूं, मैं महसूस करता हूं कि अखिलेश के काल में और आज के काल में नोएडा के हालात कैसे बदले हैं। आप हर समय जो एक डर के माहौल में रहते थे, गुंडों को योगी सरकार से डर तो लगता है, तो ये परिवर्तन तो है। दरअसल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अभी योगी आदित्यनाथ की बहुत जरूरत है, और ये महत्वाकांक्षा, बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं मनीष जी कह रहा था कि देखिए सन 1947 जब से आजादी मिली, उत्तर प्रदेश के इतिहास में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री हुए ही नहीं। 5 साल, जो 5 साल वाले तो 2-3 लोग हैं, वो संपूर्णानंद रहे, उसके बाद मायावती और अखिलेश हुए, लेकिन फिर रिपीट नहीं कर पाए। तो 2022 के बाद योगी रिपीट करेंगे। देखिए अभी तक की परिस्थितियां जमीनी है कि उनको दोबारा चुनाव, भाजपा की ही सरकार यहाँ बनेगी जो 8 की तारीख में है, और रिपीट करके जिस समय आप 10 साल पूरा करोगे ना, तो आपको हुड़दंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नहीं स्वतः पड़े, बिल्कुल स्वतः बिल्कुल, आप दिल्ली के दावेदार हो जाएंगे। तो भी बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं पाया, नरेंद्र मोदी को रोकने में सबसे बड़े बाधक तो स्वयं आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, सुषमा जी थी, इतने बड़े बड़े नाम थे उनके बाधक, लेकिन जब पब्लिक ने चाह लिया तो कोई रोक नहीं पाया। वैसा ही जिस दिन पब्लिक चाह लेगी कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा संयम और वक्त का इंतजार करना चाहिए। इस बात को तो मनीष जी, सुषमा स्वराज ने सार्वजनिक रूप से कहा था, जब मनीष इनको चुना, उम्मीदवार चुना गया था, तो सुषमा स्वराज ने कहा था कि पार्टी के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी ने नहीं, जनता ने चुना है। बिल्कुल, ये सुषमा स्वराज ने, लेकिन ये तब हुआ था जब 12 साल हो गए थे, 12 साल, 12 साल। और ये वही चीफ मिनिस्टर थे मोदी, योगी जी की तो इतनी बदनामी भी नहीं हुई। मुझे लगता है कि देश में जितना टॉर्चर नरेंद्र मोदी को किया, विपक्ष ने किया, जांच एजेंसियों ने किया, जनता के द्वारा किया गया, इंटरनेशनली बदनाम किया गया, अभी तो उसका पासंग भर योगी जी को नहीं हुआ। और जब तक आपके विरोधी ना हो जाएं तब तक तो आप सफल भी नहीं होते। अभी तो मीडिया भी ज्यादातर तो हमलावर योग मोदी पर ही है। उस दौर में भी यदि बीजेपी पर मीडिया हमलावर थी तो वो मोदी ही था। तो मोदी तो लगभग 2.5 दशक से हमला झेल रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा योगी जी को, लेकिन एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में वो सर। और इस चीज को कि मुझे लगता है कि व्यूवर्स को भी ये बताना है, जैसे जर्नलिस्ट जो हम लोगों ने अनुभव किया, मैं कई बार मैंने बताया, एक चीज मैं प्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं, जैसे आप बता रहे हैं तो मुरली मनोहर जोशी जी दिवाली में दिवाली मिलन करते थे हर साल, अब वो बंद हो चुका है परंपरा। और दिवाली मिलन जो करते थे तो उनका सरकारी निवास जो है वो रायसीना रोड पर है, जहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, आपने देखा होगा, और वही एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकारी निवास था। तो कहा जाता है कि पर उनको हमेशा ये भ्रम हो गया कि अटल जी यहीं से प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो एक दिन मैं भी इसी निवास से प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। और वो रायसीना रोड का जो घर है वो छोटा था बिल्कुल, लेकिन उनके कद के हिसाब से छोटा था, बिल्कुल उन्होंने छोड़ा नहीं। मुझे याद आता है उस दिन मैं भी था, और चूंकि हर साल पीआईबी जर्नलिस्ट रहा तो वहां बुलावा पाता था वहां पे, और वहां पर कुछ प्रिंट के जो पत्रकार थे, जो लुटियन गैंग के खिलंदर थे, वो सब के सब आते थे। उसमें किसी ने कहा उनसे कि सुना है बनारस से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हो रहे हैं, तो मुरली मनोहर जोशी ने, चूंकि ये सब बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती है, मुरली मनोहर जोशी ने हम सबके बीच कहा था किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा बनारस में। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, मतलब मोदी यदि चुनाव बनारस से लड़ेगा तो किस पार्टी से लड़ेगा। उस समय में जो औकात थी मतलब इनकी, नरेंद्र मोदी की, वो उस कद की नहीं थी कि वाजपेयी मुरली मनोहर जोशी को जवाब दे पाते। लेकिन इस बदले दौर में, इस बदले दौर में क्या हुआ, इस बदले दौर में फर्क ये पड़ा कि
नरेंद्र मोदी को ये पता तो चलता ही है, ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी सामने आती है, और ये पता चला कि उन्होंने ऐसा कहा। आप गौर से देखेंगे तो योगी जी का जो सार्वजनिक मंच पे मोदी जी का है, वो बॉडी लैंग्वेज मुरली मनोहर जोशी के साथ कभी भी नहीं बदला। नहीं नरेंद्र बदला, आडवाणी जी के साथ बदला, मुरली सुषमा जी मेंबर उनकी पार्टी में, मेरा उनकी सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन मुरली मनोहर जोशी के साथ उनका वो व्यवहार नहीं बदला। नहीं और बदला। आज इस चीज को तो इसीलिए इस वक्त को थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि आप बेहतर काम करने के साथ साथ इन सब चीजों की भी जरूरत होती है इस विश्लेषण को। मुझे लगता है कि यदि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक पे, तो नहीं तो इसे विराम दें इस विश्लेषण को। ये मैंने आपके दर्शकों दर्शकों बता दूं, उन लोगों बहुत लोगों को चीजें नहीं मालूम है कि मनीष जी 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ संगठन के व्यक्ति नहीं थे। उनको उत्तर प्रदेश के संगठन में उनकी ना वो पैठ थी ना वो पकड़ थी, पहचान थी केवल मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन वो आप जब तक नहीं थे तब, अब आप एक संवैधानिक पद पर, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। संघ, आप सब जानते हैं कि संघ की क्या भूमिका है भाजपा के संदर्भ में। तो संघ को, संगठन को और ऊपर बैठे मोदी वैसे शासक को आप नजरअंदाज करके एक अलग मुहिम नहीं चला सकते। उसके लिए आप, अगर आप कुछ देखिए, नरेंद्र मोदी ने चलाई थी, नरेंद्र मोदी ने 2014 में चलाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उससे पहले 12 साल अपनी हैसियत बनाई थी, बिल्कुल सुपरमैन बन के बिल्कुल उभरे। वो हैसियत देखिए, बिल्कुल लोकप्रियता अलग चीज है, लेकिन वो हैसियत अभी योगी जी की नहीं है। इसमें उनको नहीं अभी कम से कम एक एक कार्यकाल और पूरा करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। जब तीसरा कार्यकाल शुरू होगा उस समय उनकी हैसियत ये होगी। तो प्रतीक्षा करें, अब अभी तो उम्र है उनकी भाई, अभी तो बिल्कुल उनकी बिल्कुल आयु है। राहुल बिल्कुल गांधी खुद ही जो भी कहते हैं कि अभी वो तो जो जिसे इस देश की जनता अभी भी बबुआ समझती है, वो युवा हाँ है, जो पप्पू है, जो उससे 1 साल बड़े बड़े ही तो हैं, है यार, ना, 1 साल छोटे हैं उससे, बबुआ से 1 साल छोटे और अखिलेश से 1 साल छोटे बड़े हैं। तो बड़े अभी बहुत समय है, और देश को बहुत समय उत्तर सबसे बड़ी बात कि अभी उत्तर प्रदेश देश जैसे राज्य को योगी बहुत आदित्यनाथ जैसे जरूरत है, प्रशासक की बहुत जरूरत है। बहुत और हम जरूरत है, क्योंकि बहुत। अभी अभी सबसे योगी, महत्वपूर्ण ये है कि जब तक उत्तर प्रदेश में एक गुंडा तत्व खत्म नहीं होंगे, अभी योगी जी को कई सारे खलियरों को, योगी हाँ आदित्यनाथ के डर से लोग इस देश में कहां होता था कि अपराधी कहे कि मुझे जेल भेज दो, थानों में जाकर के सिलेंडर करो। तो ये ये काबिलियत योगी आदित्यनाथ की हुई, और इसीलिए लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा अगला पीएम योगी होगा। एक वक्त था कि लोग सोचते थे कि हमारे पास तो मुरली मनोहर, ये अटल बिहारी और आडवाणी के बाद क्या विकल्प है, लेकिन अब तो आपके हाँ पास विकल्प है। मैं तो कहता हूं कि आसाम में भी एक विकल्प पैदा हुआ है, और देश को पूर्वोत्तर से भी एक प्राइम मिनिस्टर की उम्मीद अब जग रही है। लेकिन इस सब हाँ के लिए वक्त लगता आप है, जिक्र कर समय चुके के हैं, साथ सपना होता है।